टू डायमेंशनल सॉलिड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसमें लेयर टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये देखिए लेयर टाइप स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है। ये दोनों लेयर्स वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस के हेल्प से बंधे रहते हैं और इसका डेली लाइफ में हम देख भी सकते हैं कि जैसे वो जो लेड पेंसिल जिसका कि हम यूज करते हैं पेंसिल लिखने का, जिसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है, उस पर अगर हल्के से भी उंगली चला दी जाए तो साथ में एक पूरी की पूरी लेयर उतर के उंगलियों पे लग जाती है और इसी रीजन से हम कागज पे उसे लिख भी पाते हैं। तो ये जो लेयर लेयर है ये आसानी से स्लिप करती है दूसरे लेयर के ऊपर। स्लिप करने से, और स्लिप क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेज लगे हुए हैं, ये जो फोर्सेज हैं ये कौन से हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस लगे हुए हैं दोनों लेयर्स के बीच में और इस वीक फोर्स के कारण ही ये आसानी से एक दूसरे पर स्लिप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें कि यहाँ पर जो लेयर स्ट्रक्चर है जो कि एक टू डायमेंशनल लेयर जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी एक कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे ये कार्बन एटम इससे लिंक्ड है, वन, ये टू और ये थ्री, ये तीन कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसी लिंकिंग के कारण ग्रेफाइट में कार्बन एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनाता है और इस लेयर टाइप स्ट्रक्चर का जो सबसे मेजर रीजन है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि कार्बन का इस केस में एग्जिस्ट करता है, और वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कैसे एग्जिस्ट करता है इस ग्रेफाइट के केस में। यहाँ देखें कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 2s2, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और 2p2, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट ये है 1s2, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, 2s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2p को ट्रांसफर हो जाता है 2s1 और ये 2p3, 2p3। फिर 2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2p के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण एक कार्बन एटम जो है, वन कार्बन, ये लिंक्ड होगा तीन और कार्बन एटम से। इस लिंकिंग के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा प्लेनर स्ट्रक्चर, जैसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर यहाँ शो किया गया है, और हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण नॉर्मली ग्रेफाइट क्या होते हैं, कंडक्टर। यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो दो कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.42 एंगस्ट्रॉम, जबकि दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन है वो है 3.41 एंगस्ट्रॉम। और ये जो 3.41 एंगस्ट्रॉम है ये लगभग तिगुनी दूरी है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूजफुल हो सकती है। तो इसी तिगुनी डिस्टेंस होने के कारण ये जो दो लेयर्स हैं, ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों लेयर्स वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं आपस में और एक दूसरे पर आसानी से स्लिप कर सकते हैं। ग्रेफाइट के इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये सॉफ्ट टू टच है।
ये छूने में बहुत मुलायम लगता है। फिर इसके अलावा एक सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये एक नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। मटेरियल और इसके जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए ये सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है। फिर इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हर एक कार्बन एटम के पास, तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं इसमें, ये जब पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर,